खान साहब जो हैं तैयबा राजा को या सनम साहबा को या फलक साहबा कोई ना कोई टिकट देंगे यहाँ पे, तो क्या ये कोई वाकई सच्चाई थी इस बात में कि आप हांस की छुपी हुई खिलाड़ी हैं? आपको कोई ऐसी टिकट मिल नहीं थी जिसमें आपने लोगों को सरप्राइज कर देना था? अरे भी क्या सिर्फ टिकट लेके खड़े होना है मुल्क के साथ, तो फिर हम इतने अरसे से जो हम लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई हुई, हम यहाँ तक सुनते आ रहे हैं अकेले आप लोग यहाँ ना जाएं वहाँ ना जाएं। देखिए आप लोगों को अपनी पुलिस से धक्के खा लिए, पुलिस की बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर ली, खान के घर पे ऑपरेशन के दिन हम मौजूद है, फ्रंट लाइन पे हमने मारे खाई हैं, तो आप लोग कौन है ये सवाल करने वाले? तो खान साहब ने मुझे जवाब दिया था कि अब हमें पता है कि जिसको जिस जुबान में बात समझ आती है उसको उसी जुबान में समझाई जाएगी। आप खबरों में ही रहती हैं, हम तो यहाँ पे आते हैं, पता चलता है तैयबा साहब ने ये काम कर दिया। क्या आपने 160 बंदों को अनफॉलो कर दिया? पहली बात तो है कि जनाब, एक तो आपने पहले उनको फॉलो क्यों किया? ठीक है, अगर आपने फॉलो कर लिया था तो क्या उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की आपके ऊपर या कि खान साहब के ऊपर जो आपने उनको अनफॉलो करके बताया कि यार तुम्हारी औकात जहाँ पे है तुम लोग उधर रहो, तुम लोग मेरी फैमिली में आने की गलती तुमने की है? नहीं नहीं नहीं, दोबारा अनफॉलो को अगर आप डेफिनेशन पढ़े तो अनफॉलो का मतलब आप किसी रिश्ता खत्म कर रही हैं, आप उसको कह रही है अनफॉलो जाओ, मैं तुम्हें मानता ही नहीं भाई, तो कौन है? जिसने मुझे लिखा हुआ था कि तुम जैसी औरतें तो जाके आदमियों के साथ आराम से सो जाती हैं, ये बहुत बड़ा जुमला, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत तान है सूर्य बकरा के बारे में, बिल्कुल ये एक इल्ज़ाम है। आप अपनी माँ अपनी बहन अपने वालिद के सामने इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। मौना सलाही साहब ने क्या लिखा था? मेरा ट्विटर मेरी मर्जी, मैं वो 110 को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बट और आप देख रहे हैं RP पॉडकास्ट। नहीं, मुझे ज़मान पाक में यहाँ पे फैमिलीज आ रही हैं जो हान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर, 27 ईयर्स कंप्लीट हो गए हान साहब की पार्टी को बने हुए, योम तसीस मनाया गया और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तैयबा राजा साहब स्पेशल यहाँ पे मौजूद है, इस्लामाबाद रहती हैं ये, लेकिन हान साहब की मोहब्बत में कभी लाहौर आती रहती हैं और ज़मान पाक जब भी आएँ ज़मान पाक चक्कर लगाती हैं। तो मैडम से पूछूंगा, मैडम आज हान साहब की पार्टी को 27 साल हो गए हैं और आपको कितने महीने या कितने साल हो गए आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की है या आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई, आप बस खान साहब के विजन को फॉलो करती हैं? मैं खान साहब के विजन को फॉलो करती हूँ, मैं खान साहब की सपोर्टर हूँ, PTI सपोर्टर हूँ, मैं SH पार्टी से नहीं हूँ, मतलब पार्टी से कोई पोस्ट वगैरह मेरे पास नहीं है या हमें हमारे काम के कोई पैसे शैसे नहीं मिलते PTI से। PTI को सपोर्ट करना शुरू किया था 2013 जब खान साहब गिरे थे, कंटेनर से गिरे थे, मतलब वो तब वो था कि जी ये बंदा अच्छा लगता है, लोगों से सुना करते थे ये वो। प्रॉपरली जब खान साहब को सपोर्ट करना शुरू किया था वो किया था 2016 में, 2018 में खान साहब को 72 वोट्स डलवाए थे ददियाल ननियाल मोहल्ले वालों के दोस्तों के, कहने PTI को वोट डालना है, PTI को वोट डालना है। और अब तो मतलब खान साहब से इतनी वो अकीदत और मोहब्बत है कि अब तो खान साहब के अलावा कोई नाम ही नहीं। मैडम कहते हैं कि हवातीन हो या मर्द हो जो खूबसूरती है वो आपको अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप होती है, खान साहब पुरकशिश थे इस वजह से खवातीन उनको फॉलो करती थी या आपने बाकायदा उनको पढ़ा, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, उनकी सियासत के बारे में पता किया आपने, फिर जाके आपने खान साहब को फॉलो करना शुरू कर दिया? देखिए मैं ना कोई इसमें कोई लंबी उम्मीद नहीं बांधूंगी, लोग बड़ा सुना खान साहब के बारे में, खान साहब अपना माजी के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें खुद बता चुके हैं, वो लोगों की पसंद रहे हैं, खवातीन की स्पेशली पसंद रहे हैं, लेकिन जो अब हम ये वाली जनरेशन है ना, मुझे लगता है मुआशरा बहुत तरक्की कर गया, मुआशरा इस आदमी और औरत वाले चक्कर से बहुत आगे निकल के, आप पढ़े लिखे लोग काबिल लोग खानदानी लोग इन चीज़ों से बहुत आगे खड़े हैं, उनका इस वक्त जो मेन जो नैरेटिव है ना वो है कि मुल्क के साथ खड़े हुए हैं सारे, मुल्क बचाने की कॉज पे खड़े हुए हैं सारे, इसमें कहीं कोई खान साहब की खूबसूरती की वजह से मुतासर होकर मेरा वो खूबसूरती पहले सियासत से पहले की बात थी ना, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो बेंजी साहबा ने भी जनाब उनके साथ इंस्पायर थी वो एग्जैक्टली मेरा तो ख्याल सब ज्यादा मरियम साहबा मुतासर थी इसलिए वो बेचारी अब तक, मतलब अगर आप उस दौर में होती, अभी तो आप हमारी जो है सेंचुरीज की दौर में, अगर आप उस दौर में कभी पैदा हुई होती तो अगर आपने टीन एज देखी होती खान साहब की तो आपने मुतासर होना था फिर? मैं ना इसका जवाब इस तरह देना चाहूंगी कि मैं खान साहब को उतनी इज्जत और मोहब्बत से देखती हूँ जितना मैं अपने वालिदैन को देखती हूँ, तो फिर इसमें इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती कि अगर आप उस तरफ होती, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि मैं एक इंसान को मोहब्बत और अकीदत से देखता हूँ वैसे जैसे मैं अपने वालिदान को देखता हूँ, तो फिर तो इसका सवाल ही एक यहाँ पे एक लड़ाई भी चली थी, रूमर्स आए यहाँ पे, सुनने में भी आया कि जनाब के खान साहब जो हैं तैयबा राजा को या सनम साहबा को या फलक साहबा कोई ना कोई टिकट देंगे यहाँ पे, तो क्या ये कोई वाकई सच्चाई थी इस बात में कि आप हांस की छुपी हुई खिलाड़ी हैं, आपको कोई ऐसी टिकट मिल नहीं थी जिसमें आपने लोगों को सरप्राइज कर देना था? चले मैं इसका ना, वैसे तो ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा आया है हम लोगों के, हमें भी सुनने में भी आया कि यहाँ हम लोगों ने किसी टिकट के लिए, मतलब किसी पार्टी टिकट, क्योंकि पार्टी टिकट्स आ गई हुई है ना सामने, तो अगर होते तो हम भी सामने आ जाते, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम में से किसी ने ऐसा किया करने की कोशिश की है, जो भी जिन पे सनम पे इल्ज़ाम था, मुझ पे इल्ज़ाम था, फलक पे इल्ज़ाम था, एक दो और लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम था, तो अगर किसी बेचारी ने की भी तो ये उसका प्रॉब्लम है भाई, या तो आप खुद आगे आएँ, अगर आपको टिकट चाहिए तो आप आगे आएँ आके शिरकत करें,
और वो लोग जो चीख चीख के धाड़ धाड़ के क्या करते थे टिकट के लिए कर रही है, टिकट के लिए हम तो अभी भी यहीं खड़े हैं, टिकटें मिल चुकी हैं, हम खड़े हुए हैं। तो अब आप लोगों को नहीं लगता कि आपको इन लोगों को आके हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इल्ज़ाम लगा रहे थे? इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान है ना टिकटों के लिए खड़े हुए। अरे भी क्या सिर्फ टिकट लेके खड़े होना है मुल्क के साथ? तो फिर हम इतने अरसे से जो हम लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, हम यहाँ तक सुनते आ रहे हैं अकेले आप लोग यहाँ ना जाएं वहाँ ना जाएं, देखिए आप लोगों के ट्वीट सख्त होते हैं, आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। अजहर वाले केस में वो जो मेरा एक बैनर था उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, हालांकि वो एक बड़े महजबाना तरीके से एक सवाल था। वो उसको अगर आपने गलत तरीके से पोर्ट्रेट करना है वो आपका तरीका है, मैंने एक सही सवाल पूछा वो मुझे पता है, लेकिन इस पर लोगों को इतना डरा दिया गया था आपको उठा लिया जाएगा आपकी फैमिली ये वो, मतलब क्यों हम अपने मुल्क में इतने गैर महफूज क्यों हैं? तो फिर टिकट की बात कहाँ से आ गई जब हमने शेलिंग खा ली, मारें खा ली, अपनी पुलिस से धक्के खा लिए, पुलिस की बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर ली, खान के घर पर ऑपरेशन के दिन हम मौजूद थे, फ्रंट लाइन पर हमने मारे खाई हैं। तो आप लोग कौन है ये सवाल करने वाले कि फलाने टिकट के लिए अप्लाई किया फलाने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया? अगर किसी ने किया तो भी उसका मसला था, अगर नहीं किया तो भी उसका मसला। मैडम आपने हर इंटरव्यू में हमें ये कहा, आज हमें लाखों इंटरव्यू देखे कि आप जो है सिर्फ खान साहब से इसलिए मोहब्बत करती हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खान साहब मुल्क से मुखलिस हैं, उनके जो विजन हैं वो इस मुल्क के लिए बेनिफिशियल हैं। तो अगर इन केस देखें खान साहब भी इंसान ही है जनाब, उनके लिए जो कारखाना है वो हम में से आप में से ही हैं, अगर खान साहब कुछ फैसला अच्छा नहीं करते मुल्क के हक में इन फ्यूचर, तो क्या आप उनके खिलाफ भी बात लिखेंगे? इतनी हिम्मत आपके अंदर है कि आप वो बात लिखेंगे जनाब के खान साहब मैं आपकी इस बात से खुश नहीं हूँ, आपने ये बात करके जनाब आप करोड़ों लोगों का दिल दुखाया, हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी, आप ये बात लिखेंगे? मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, खान साहब जिस लेवल पे आ गए ना, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब, इस बंदे ने इतना कुछ देख लिया है, मतलब उसने अपनी जान दांव पे लगा दी, उन्होंने मुल्क के अगेंस्ट जाना क्यों है पहला सवाल तो ये, जाना बनता ही नहीं है मुल्क के अगेंस्ट, वो जाए मैं अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा, लास्ट टाइम से अभी इनकी हुकूमत रही 5 साल, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं बड़ा मासूम था, हमने उनकी लाइव स्पीचेस देखी, उन्होंने कहा जनाब मुझे यूज़ किया गया कि मुझे नहीं पता था क्या बात कर, मुझे जना साहब ये बात करते थे मैं उनकी बात मान लेता था। मैं इन केस बात करूँ कल को जनाब तैयबा साहब आप खान साहब को खान साहब ये काम कर दें, खान साहब ने आपके कहने बात कर दी, हमारी नज़र में तो खान साहब ने की होगी ना, वो आपने थोड़ी की होगी बैक स्टेज पे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपका क्या रवैया होगा? अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। मैंने हज़रत उमर के दौर का एक किस्सा सुना था, उन्होंने कहा था सहाबा कराम को खड़े करके कि अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि फ़लाँ जगह पर एक शख्स जो है वो दीन के खिलाफ है तो तुम लोग क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि हमारी तलवार उसके खिलाफ बुलंद होगी। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मेरे अपनी ज़ाती किसी बात के लिए ऐसा, तो उन्होंने कहा था एक सहाबी ने आगे आके कहा था कि मेरी तलवार उमर के खिलाफ निकलेगी। तो हज़रत उमर अल्लाह ताला ने कहा था कि ये चीज़ है कि जब आप हक पे खड़े हो ना तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हाकिम वक्त के भी खिलाफ, अगर वो भी गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो क्योंकि आप हक पे खड़े हैं। खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कभी गलत करेंगे नहीं, खान साहब मुल्क के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। पहले भी उनको जिस तरीके से टैकल किया गया वो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहते रहे हैं कि मुझे लगता था बाजवा मुझे इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मुल्क बचाएंगे। तो वही तो मैं भी बात करूँ ना मैडम कि इनके फ्यूचर में भी ऐसा होता है, हमें थोड़ी पता आप साथ थोड़ी रहेंगे, खान साहब के मैं साथ थोड़ी रहूँगा। बिल्कुल यही सवाल मैंने खान साहब से किया था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा था खान साहब आपने कहा था कि मेरे साथ आइन और कानून के दायरे में रह के ये हुआ फलाने ये किया फलाने ये, तो जब आप दोबारा आएंगे तभी हमें यही सुनने को मिलेगा। आपको नहीं लगता कि आपको इन लोगों को किसी और तरीके से अब टैकल करना चाहिए? तो खान साहब ने मुझे जवाब दिया था कि अब हमें पता है कि जिसको जिस ज़ुबान में बात समझ आती है उसको उसी ज़ुबान में समझाई जाएगी। तो ये वो तरीका कार है जो अब चेंज हुआ है, खान साहब ने भी इतने बैड एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है। मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि खान साहब कभी भी मुल्क के अगेंस्ट जाएंगे कभी भी, और अल्लाह ताला ने जिस इंसान को इतनी बुलंदी अता की है इतना मर्तबा अता की है, मेरा नहीं ख्याल अल्लाह ताला उसको मेरा क्वेश्चन फिर वही आप ट्वीट करेंगे ना, आप तो मुल्क से मोहब्बत करते हैं ना, मुल्क के अगेंस्ट वो जाएंगे ही नहीं अगर कोई भी इन केस। मैडम आप श्योरिटी हमें भी यकीन है खान साहब पे, हमने भी शायद अगर हम इसको इस तरह से लें ना कि अगर हम इस पे आते हैं कि जी फलां को खान साहब लेते हैं वो आपको नहीं पसंद और फलां को लेते हैं तो आप खान साहब से बात, तो जब मैं खान साहब से मिलूंगी ना तब मैं उनसे ज़रूर कह लूँगी, लेकिन मैं पहले खान साहब की बात, आप जब किसी बंदे का एहतराम करते हैं किसी बड़े बंदे का जब आपको पता हो, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं हूँ ना मैंने शऊर पॉलिटिक्स का शऊर खान साहब से सीखा है, तो जो खान साहब ने पढ़ा और जो खान साहब ने अपने तजर्बे से सीखा खान साहब मुझसे कई कदम आगे खड़े हैं। अगर खान साहब कोई बात करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, तो पहले वो वजह जानने की कोशिश करेंगे ना कि खान साहब पर अटैक कर देंगे। खान साहब से इख्तलाफ करने की कोई राय बनती नहीं है ना, एक इंसान जिसने अपनी जान, मैं इस चीज़ को इस तरह लेती हूँ, अगर मैंने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दी होती तो मैं अपने लोगों से ये एक्सपेक्ट करती कि जब मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ तो वो साथ खड़े हों, बजाय इसके कि वो मेरी बात पे आके तनकीद करें और मेरे गले पड़ जाएँ।
तो एक बंदा जिसको अल्लाह ने इतना मकाम दिया होता, जिसने इतनी एफर्ट की होती, वो ये डिज़र्व नहीं करता कि जब वो एक स्टेप उठाए और लोगों को वो सही ना लगे तो लोग आकर उसके गले पड़ जाएं। उस वक्त तहम्मुल से काम लें, देखें उससे सवाल करना है तो सवाल करें, लेकिन उसके अगेंस्ट कभी ना जाएं। और खान साहब के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते। नहीं जाएंगी आप। मैडम एक बात आपके बारे में भी चल रही, रिसेंटली आप खबरों में ही रहती हैं, हम तो यहाँ पे आते हैं पता चलता है तैयबा साहब ने ये काम कर दिया। क्या आपने 160 बंदों को अनफॉलो कर दिया? पहली बात तो है कि जनाब, एक तो आपने पहले उनको फॉलो क्यों किया? ठीक है, अगर आपने फॉलो कर लिया था तो क्या उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की आपके ऊपर या कि खान साहब के ऊपर, जो आपने उनको अनफॉलो करके बताया कि यार तुम्हारी औकात जहाँ पे है तुम लोग उधर रहो, तुम लोग मेरी फैमिली में आने की गलती तुमने की है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने ना एक्चुअली 260 पर्सन को फॉलो किया हुआ था, जिसमें से 110 अभी भी फॉलो हैं, बाकी जो थे वो 150 लोग जो थे इतने ही हो रहे थे, वो जो लोग थे वो मैंने अनफॉलो कर दिए थे। और वो उनमें जो लोग थे वो मैं आपको नाम उंगलियों पर गिन के बता सकती हूँ कि कौन कौन था उसमें, जैसे मोनस इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, जमायमा खान थी, मतलब ये इस तरह के लोग जो जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया है। मैडम ये देखिए, आपकी नज़र में ये बड़ा इजी है कि अनफॉलो का बटन दबाया। अनफॉलो को अगर आप डेफिनेशन पढ़े तो अनफॉलो का मतलब आप किसी रिश्ता खत्म कर रही हैं। आप उसको कह रही है अनफॉलो जाओ, मैं तुम्हें मानता ही नहीं भाई, तो कौन है? देखें उनको फॉलो करने की वजह भी कुछ नहीं थी। ट्विटर जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो मैंने रैंडमली एक पूरी लिस्ट फॉलो तो कर ली। नवाज शरीफ भी आ गया होगा, उसको भी कर इतना ध्यान रखा था मैंने कि ये वाली पार्टी ना आए, तो मैंने ना वो टिक 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 सारे वो जो लोग फॉलो करने थे कर लिए थे। लेकिन ना जिस कदर हम पे अब के टाइम पे तनकीद हो रही है ना, बड़ा आसान है दूसरी तरफ बैठे हुए लोग, आज बल्कि आज का जिक्र करते हैं। आज एक पीटीआई के एक पर्सन ने, अब वो पीटीआई का अकाउंट है या नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इंसाफियंस को ब्लॉक किया जा रहा है, तो वो इंसाफियंस का एक अकाउंट है जिसने मुझे लिखा हुआ था कि तुम जैसी औरतें तो जाके आदमियों के साथ आराम से सो जाती हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत तान है सूरह बकरा के बारे में, बिल्कुल ये एक इल्ज़ाम है। आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपने वालिद के सामने इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। आप कैसे किसी की बहन बेटी को लिख देते हैं? आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा तो आपको क्या मैं सर मिला के बिठाऊं? तो फिर मतलब मोनस लाही साहब ने क्या लिखा था? कुछ ऐसी ऐसी बात साहब ने कुछ नहीं लिखा था। मैं आपको एग्जांपल कोट कर रही हूं कि वो लोग जो शोर मचा रहे हैं ना कि अनफॉलो क्यों किया, मेरा ट्विटर मेरी मर्जी, मैं वो 110 को भी नहीं छोड़ूंगी, उनको भी खान साहब को छोड़ के बाकी सबको अनफॉलो कर दूंगी। और बताएं ये मेरा प्रॉब्लम है, आपको मुझसे जो आके मुझसे वो बात करें जो नज़रिए की बात है, मुझसे ज़ातियात पे सवाल ना करें। सवाल बनता ही नहीं है कि मैंने किसी को फॉलो क्यों किया या अनफॉलो। मैंने वो मेरी चॉइस है। यहाँ पे जेलसी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा हो रही है कि लोग यहाँ पे एक दूसरे जेलस भी होते हैं कि यार कि लोग तैयबा राजा को इतना प्रोटोकॉल क्यों देते हैं, लोग सनम को क्यों देते हैं, लोग फलक को क्यों देते हैं, कि ये तो वो खवातीन है जो किसी लीडर के साथ नहीं गई, ना इनकी कोई सीट है, ना कोई बुकत है पार्टी में, क्योंकि तमाम मीडिया इनके पीछे होता है। और इसकी वजह से मैंने सुना कि आपकी आपस में क्लैशेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बातों में, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग? हमारी हम दोस्तों की? जी जी नहीं 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 नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है दोस्तों की। आज भी हम लोग बल्कि थे, मैं जब आई तो वो दूसरी साइड पे थी, हमें पता भी नहीं चला। अभी भी बल्कि मैं उसी का वॉइस नोट सुन रही थी, और जाई मुझे कहती थी कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। आपका भी बल्कि वो बता रही थी कि इर्तज़ा ने कहा 2 मिनट का इंटरव्यू दे दें, तो वो मुझे अभी भी बता रही थी ये बात। तो मतलब कोई हमारी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, हम लोग दोस्तों की तरह, बहनों की तरह। हमने ना टाइम के साथ इर्तज़ा एक चीज़ सीखी है कि कोई भी बात हो जाए ना, जब सोशल प्लेटफॉर्म से हमें कहीं से कोई धक्का लगाने की कोशिश करता है तो हम बैठ के ना इतने मच्योर हैं हम लोग कि हम बैठ के उस बात को डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ फ़लाँ ने मुझे बोली, इसका क्या करना है, या ये बात इस तरीके से हुई, इसको कैसे टैकल करना है। ये वो टाइम नहीं है जब आप वहाँ से उठ के चीखें लगाएंगे और हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे जी कि इनको लड़वाना है। ऐसा कोई तमाशा अब नहीं चलता, बहुत आगे दुनिया पहुँच चुकी है। खुदारा इस जाहिलियत से निकलें, लोगों को लड़वाने के बजाय अपना नेम बताएं। सॉरी, आपका एक दूसरा सवाल कि जी ये खवातीन इनको प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? अगर आपको ये प्रोटोकॉल चाहिए, आए प्लेटफॉर्म पे, ग्राउंड पे आए, शेलिंग में आके शेलिंग खाएं, पुलिस से मारे खाएं, ऑपरेशंस के दौरान यहाँ मौजूद हों, इंटरव्यूज़ दें, आके यहाँ बोलें, हमारी तरह ब्लंट बोल के दिखाएं, आप ले लें प्रोटोकॉल। हम अपने घर से मतलब इन लोगों को हमने खरीदा, वो थोड़ी ये पूछें इनसे, हम इन्हें पैसे नहीं देते, तो फिर आपको भी प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो अपना मुंह बंद रखें। मैडम लास्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आके इज्जत मिली, मतलब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तरीके के साथ ज्वाइन करने के बाद, ट्विटर अकाउंट चलाने के बाद, जिस तरह खान साहब को डिफेंड करती हैं कि आपकी इज्जत में कमी है, जिस तरह आपने बताया कि एक शख्स ने आपके करेक्टर पे बात की, लाजिम बात आपके लिए तो वो दिल दुखाने वाली बात आपकी होगी। आपका तो दिल अब इन चीज़ों से दिल नहीं दुखता है, इतना दिन में इतने सारे नमूने आके इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं, इतना डराने की कोशिश की जाती है।
एक चीज़ सीखी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बेहतरीन मुहाफिज भी और सबसे बेहतरीन गवाह भी। हम ना मैदान हशर में नहीं खड़े हुए, दुनिया में मौजूद अभी, तो हम यहाँ हिसाब देने के लिए नहीं खड़े हुए। हिसाब जहाँ होना है अल्लाह ताला वहीं खड़ा करके पूछेंगे कि क्या किया, ये गलती थी, ये बुराई थी, इसका क्या किया। यहाँ लोगों को जवाब दे नहीं है। हम पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर होना एक अलग चीज़ है। नज़रिए पे बात करें, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ अखलाकियात के ख़राब है, आपसे बदतमीज़ी की जा रही, उस पर बात करें, पर्सनल अटैक्स पे बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपने जो मुझे अभी सवाल किया उसका, के जी अभी जो आपने सवाल किया है इसके बारे में, इज्जत पर इजाफा हुआ है। देखें, हम लोग ना खान साहब को सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। बेसिकली हमें बार बार ये कहा जाता है कि ये इमरान खान के जो गंदी चीज़ें लिखी जाती हैं हमारे बारे में, खान से ये, खान से वो, खान ने ये किया, ये तो वो हैं, ये खान के साथ ऐसे हैं। हम अपने मुल्क के लिए खड़े हुए हैं। मैं तैयबा राजा, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, सबसे पहले मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। मैंने देखा है हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं है। मैंने सिस्टम को देखा है कि सिस्टम कैसे किसी भी आम शहरी को, किसी मिडिल क्लास को कैसे रगड़ा मार सकता है। खान मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पता है ये शख्स आएगा तो सिस्टम ठीक होगा। सिस्टमेटिकली चीज़ें ठीक होते हुए हमने देखी थी, जो हमने फिर बिगड़ते हुए देखी हैं, तो मैं उस शख्स को कैसे छोड़ दूँ? नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के पीछे लग के, जो बिलावल भुट्टो इतने सालों से सिंध ठीक नहीं कर सका, जो कश्मीर और इसराइल की बातें कर रहा है, आज सिंध के अंदर जो माएँ अपने बेटे गंवा चुकी हैं उनको जाके आप कश्मीर और इसराइल की बातें सुनाएं, वो आपका कलेजा निकाल के खा जाएंगी। वो कहेंगी कि तुम सिंध ठीक नहीं कर सके, तुम वहाँ बैठे हुए बकवास कर रहे हो। तो मतलब वो लोग जो अपनी जो जगह उनके अंडर थी वो ठीक नहीं कर सके, वो किस तरह उठ के हमें इंसाफ देंगे? कल को मेरे साथ, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में किसी के साथ कुछ होता है, अगर सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह, कीड़ों की तरह रगड़े जाएंगे, तब कौन बोलेगा? क्या हमारा हशर बलोचिस्तान जैसा होगा? तो हम अपने लिए बोल रहे हैं, खान के लिए नहीं बोल रहे, अपने मुल्क के लिए बोल रहे हैं, और ये हम बोलते रहेंगे जब तक खान साहब वापस नहीं आते। जी नाज़रीन, तैयबा राजा ने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए आज। वो लोग जो ये बात करते हैं कि ये खवातीन यहाँ पे आती हैं, खान साहब के ऊपर ये करती हैं, खान साहब खवातीन पे बाहर आ गए ऐसे करते हैं, उन्होंने साफ बता दिया कि खान साहब मेरे वालिद की जगह ऐसे रखते हैं। मुझे अगर प्यार है तो खान साहब के विजन से प्यार है, अगर खान साहब के विजन से हटेंगे तो वह प्यार भी हमारा ख़त्म हो जाएंगे। खान साहब हमारी आखिरी होप है।